वेलकम टू द चैनल आरवी फंटासी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एनबीए लीग का जो मैच होने वाला है सैक्रामेंटो किंग्स वर्सेस डेल्ही मार्वल्स के बीच में। लास्ट मैच ये दोनों टीम खेली थी यहाँ पर 19 फरवरी को, और वो मैच यहाँ पर सैक्रामेंटो किंग्स ने यहाँ पर इजीली विन किया था अगेंस्ट यहाँ पर डेल्ही मार्वल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7, उसी के साथ साथ बात करेंगे प्रोबेबल स्टार्टर प्लस यहाँ पर इंजरी अपडेट्स। तो डेल्ही की तरफ से बहुत सारी इंजरी अपडेट्स यहाँ पर आ सकती है। फिलहाल यल डॉनसिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर डेरी सरसन जो कि लास्ट मैच खेलने रहे थे इन पर सस्पेंस बना हुआ है। GTD गेम टाइम डिसीजन है, खेलते हैं नहीं खेलते हैं अभी कन्फर्म नहीं। डी फिन स्मिथ जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लास्ट मैच में TRDJR ने स्टार्ट किया था जे रिचर्डसन की जगह पर। अगर आज का मैच जे रिचर्डसन खेले तो जे रिचर्डसन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यम क्लेबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यम क्लेबर पर भी गेम टाइम डिसीजन है, कन्फर्म नहीं अभी खेलते या फिर नहीं खेलते। और के पोर्जिंग्स यहाँ पर सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं आज का मैच, और डी पॉवेल खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर। प्रोबेबल फाइव स्टार्टर आपको डेल्ही की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, और इसमें बहुत सारे चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर पर सस्पेंस बना हुआ है। कन्फर्म नहीं कौन खेलेंगे और कौन नहीं अभी तक की जो यहाँ पर इंजरी अपडेट्स और इंजरी न्यूज़ आई है। बाकी अगर यहाँ से बात करूँ सैक्रामेंटो किंग्स, तो यहाँ पर सभी यहाँ पर कन्फर्म है। TR लिबर्टन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिफॉक्स जो कि यहाँ पर खेलने रहे थे उसकी जगह पर TR लिबर्टन स्टार्ट करेंगे। टाइम बेस्ट मिलेंगे, लास्ट मैच इनका बेस्ट गया है। बड़ी हिल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉरवर्ड से यज बर्नर स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ आर होलमस जो कि यहाँ पर सेंटर के प्लेयर है लेकिन यहाँ पर शो कर रहे पावर फॉरवर्ड से, लेकिन खेलेंगे यहाँ से सेंटर से जो कि यहाँ पर आज का मैच स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ से एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे आज के मैच में एम बोगली देख सकते हैं, जो कि रिसेंटली मैचेस में आपको बहुत सारे मैचेस इन्होंने मिस किए। और आज का मैच अगर खेलेंगे भी तो इन पर होगा यहाँ पर टाइम लिमिटेशन, यहाँ पर 15 to 20 मिनट यहाँ पर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। यम आर्कलेस यहाँ पर जो कि स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबल फाइव स्टार्टर यम आर्कलेस ने लास्ट मैच में भी स्टार्ट किया था और प्रोबेबली आज का मैच भी स्टार्ट करेंगे। यम बोगले अगर 100% फिट होते हैं तो फिर यहाँ पर यम बोगले भी यहाँ से आपको एज ए स्टार्टर देखने को मिल सकते हैं यम आर्कलेस की जगह पर, लेकिन फिलहाल अभी के लिए प्रोबेबल फाइव स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते हैं सैक्रामेंटो किंग्स की तरफ से। बात करेंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, तो लास्ट मैच में TR हैरिबर्टन का बेस्ट गया था एज अ यहाँ पर स्टार्टर खेले थे, टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस इनका यहाँ से बेस्ट आया था। लास्ट मैच में TR हैरिबर्टन का परफॉर्मेंस 37 मिनट खेलकर 24.3 रिबाउंड 8 असिस्ट 2 सिक्स साथ साथ 1 स्टील, और जो सेकंड मैच रहा था TR हैरिबर्टन का तो सेकंड मैच में खेले थे एज अ बेंच प्लेयर, 29 मिनट खेलकर 16.3 रिबाउंड 6 असिस्ट और 1 स्टील, और जो हेड टू हेड मैच रहा था TR हैरिबर्टन का यहाँ पर खेले थे एज अ बेंच प्लेयर 16 मिनट खेलकर 3.1 रिबाउंड और यहाँ पर दिए थे इन्होंने 2 असिस्ट। टाइम बहुत कम मिला था, क्यों कम मिला था क्योंकि यहाँ से डीफॉक्स खेल रहे थे, तो यहाँ से पॉइंट गार्ड से इनके जो स्टार प्लेयर है डीफॉक्स यहाँ से खेलने रहे, तो TR हैरिबर्टन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इनको टाइम बेस्ट मिलेगा। लास्ट मैच का टाइम आप देख सकते 37 मिनट यहाँ पर खेलेंगे खेले थे, और आज का मैच भी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 30+ मिनट आपको खेलते हुए देखेंगे। बड़ी हिट जो कि स्टार्ट करेंगे, डैनियल राइट जो कि खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बड़ी हिट एज अ स्टार्टर करते हुए 25.6 रिबाउंड 3 असिस्ट 2 सिक्स 1 स्टील, उसी के साथ साथ डी राइट का परफॉर्मेंस टाइम बेस्ट मिला था 7.6 रिबाउंड 5 असिस्ट और 2 इनके तरफ से स्टील आए थे, बेस्ट पिक आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। स्मॉल फॉरवर्ड से यज बर्नर जो कि स्टार्ट करेंगे, क्यूगो को लास्ट मैच में टाइम बहुत कम मिला था और कम टाइम में इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। क्यूगो को बस क्या खेले थे यहाँ से 3 मिनट 1 अटेम्प्ट ऑफ शॉट किया था वो भी कनेक्ट हुआ था, और उसी के साथ साथ 1 रिबाउंड यहाँ से इन्होंने दिया था। जेल में ट्राई कर सकते हो स्मॉल लेग के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ से रिस्की पिक आपको यहाँ से मिल जाएगा। यज बर्नर की अगर बात करो तो चूँकि खेलेंगे फॉरवर्ड से एज अ स्टार्टर, लास्ट मैच में बेस्ट टाइम मिला था और आज के मैच में भी बेस्ट टाइम मिल सकता है, रिबाउंड अच्छे खासे करते हैं उसी के साथ साथ पॉइंट भी अच्छे खासे शूट करते हैं। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 23.7 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनकी तरफ से आया था। आर होलमस जो कि इंजरी की वजह से बाहर थे, लास्ट मैच में खेले थे और एज अ स्टार्टर खेले थे, और इन पर था यहाँ पर टाइम लिमिटेशन और लास्ट के मैच में इनको टाइम भी कम मिला था। आर होलमस खेले थे यहाँ पर लास्ट मैच 22 मिनट, यहाँ पर इन्होंने दिए थे 11.5 रिबाउंड और 1 इन्होंने दिया था यहाँ से ब्लॉक। इनकी स्ट्रेंथ है रिबाउंड, रिबाउंड आपको हर मैच में यहाँ पर 10+ रिबाउंड इनकी तरफ से देखने को मिल सकते हैं रिसेंटली मैचेस में, लेकिन बहुत सारे मैच यहाँ पर इन्होंने मिस किए थे, तो इसी की वजह से यहाँ पर लास्ट मैच में इनको यहाँ से टाइम लिमिटेशन थे। एक तो यहाँ पर 100% फिट नहीं थे इसलिए यहाँ पर कम टाइम मिला था, और जो यहाँ पर इंजरी के पहले यहाँ पर जो मैच खेले थे यहाँ पर इस मैच में यहाँ पर इंजर हो गए थे, और उससे पहले जो आर होलमस का जो मैच था यहाँ पर 35 मिनट खेलकर 25.10 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील, तो परफॉर्मेंस देख सकते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस इनका आया था। और आज का मैच अगर खेलेंगे 100% फिट हुए तो बेस्ट टाइम मिलेगा और बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आएगा। ये मार्कलिस जो कि लास्ट मैच में किया था स्टार्ट,
आज के मैच में भी ऐसे आपको एज ए स्टार्टर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 7.3 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 1 स्टील एज ए क्रेडिट से, और आप इनको ट्राई कर सकते हो। यम बोगली जिन पर जीटीडी रिसेंटली यहाँ पर 10-12 मैचेस मिस करने के बाद यहाँ पर खेल रहे और खेलेंगे भी, तो यहाँ पर एज ए स्टार्टर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिटेशन इन पर हो सकती है। सेंटर से यहाँ पर सी मंटू जो कि आपको बेस्ट यहाँ पर बेंच पिक मिल जाएंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस सी मंटू का 17 मिनट खेलकर 7.67, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 3 ब्लॉक और 2 स्टील इन्होंने दिए थे एज ए क्रेडिट से, और आप इनको यहाँ से ट्राई कर सकते हो। बेस्ट यहाँ पर क्रेडिट से और आप यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करूँगा डेलेस की तरफ से, तो यल डॉन्सिक अगर खेलते इन पर जीटीडी है कन्फर्म नहीं, अगर खेलते तो बेस्ट पिक है, मस्त है। और जो रिसेंटली मैचेस अगर यहाँ से बात करो तो लॉन्सिक के लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 18.8 रिबाउंड, 13 असिस्ट उन्होंने दिए थे। जो सेकंड मैच रहा था वो था हेड टू हेड मैच, और हेड टू हेड मैचेस में इनका परफॉर्मेंस आया था 37.8 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 3 ब्लॉक और 1 स्टील। तो बेस्ट परफॉर्मर्स है, उसी के साथ साथ बेस्ट एसपी चॉइस अगर खेले तो सबके यहाँ पर एसपी होने वाले, नो डाउट। जेवरसन खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, 10 क्रेडिट के प्लेयर है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 5.5 रिबाउंड, 3 असिस्ट और 1 स्टील अवॉइड कर सकते हो। बाकी जे रिचर्डसन जो कि लास्ट मैच यहाँ पर खेले नहीं थे इंजरी की वजह से बाहर थे, और जे रिचर्डसन जो हेड टू हेड मैच खेले थे तो यहाँ पर भी फ्लॉप गए थे 7.2 रिबाउंड और 1 असिस्ट के साथ, अवॉइड कर सकते हो। डिफिनी स्मिथ 10.5 क्रेडिट के प्लेयर ही खेलेंगे एज ए स्टार्टर। डिफिनी स्मिथ का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 21.7 रिबाउंड, 2 2 2 इन्होंने असिस्ट दिए थे। जो हेड टू हेड मैच रहा था यहाँ पर भी बेस्ट आया था, 22.4 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 1 ब्लॉक, मस्त है, ट्राई करना। और मुझे लगता है ये प्लेयर सबके पास यहाँ से होने वाला है। टी आर डी जे आर लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, अटेम्प्ट ऑफ शॉट बहुत ज़्यादा किए थे लेकिन कनेक्ट बहुत कम हो रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे। 8.4 रिबाउंड इन्होंने दिए थे। जो हेड टू हेड मैच खेले थे यहाँ पर खेले थे एज अ बेंच प्लेयर, 8.3 रिबाउंड और 1 ब्लॉक इन्होंने किया था। टी आर डी जे आर ने यहाँ पर स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ से खेल नहीं रहे थे यहाँ पर इनके गार्ड के जे रिचर्डसन, जिनकी जगह पर इन्होंने स्टार्ट किया था और परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। यम क्लेबर जो कि खेलेंगे एज ए स्टार्टर, यम क्लेबर जिन पर अभी भी सस्पेंस है, खेलते हैं नहीं खेलते कन्फर्म नहीं। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा था, 9.10 रिबाउंड, 5 असिस्ट और 1 स्टील। जो हेड टू हेड मैच रहा था कुछ खास नहीं रहा था, हेड टू हेड मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहा था। हेड टू हेड मैचेस में यम क्लेबर खेले थे 21 मिनट उन्होंने दिए थे, इन्होंने बस यहाँ पर 3 रिबाउंड और 1 ब्लॉक। बाकी यहाँ से कुछ खास प्लेयर मुझे यहाँ से लग नहीं रहे। डिफेंस से ज़्यादा खेलते हैं, और अगर यहाँ पर खेलते जे रिचर्डसन तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर यम क्लेबर को फिर से आज के मैच में ऐसे कम टाइम मिलेगा। बाकी यहाँ से पूरा डिपेंडेंट होगा जे रिचर्डसन, अगर ये खेले तो फिर यहाँ पर इनको कम टाइम मिलेगा। और फिलहाल इन पर भी जीटीडी गेम टाइम डिसीजन नहीं, खेलते या नहीं खेलते अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि ये अभी यहाँ से इंजुरी से परेशान है। सेंटर से यहाँ पर के पोर्जिंग स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ डब्ल्यू क्लिंस्टीन और डी पोवेल खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, दोनों को ऐसे टाइम मिल सकता है। के पोर्जिंग्स का लास्ट मैच का परफॉर्म, अगर के पोर्जिंग्स रिसेंटली मैचेस में ऐसे आउट थे क्योंकि यहाँ पर इंजरी थी, और जो लास्ट मैच यहाँ पर खेले थे के पोर्जिंग्स जो हेड टू हेड मैच खेले थे यहाँ पर खेले थे 37 मिनट, 9.11 रिबाउंड और 3 असिस्ट दिए थे, अवॉइड कर सकते हो। हेड टू हेड मैचेस में परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं था, बाकी इंजरी से बैक कर रहे तो यहाँ पर, और इंजर होने से पहले अगर जो मैच खेले थे तो यहाँ पर थर्ड हाफ ही खेले थे और फोर्थ हाफ में इनको टाइम नहीं मिला था, और उसमें भी यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस इनका आया नहीं था। डब्ल्यू क्लिंस्टीन खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, डी पोवेल ने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था लेकिन के पोर्जिंग्स यहाँ पर खेलेंगे तो फिर यहाँ पर डी पोवेल खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर। डी पोवेल का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बेस्ट गया था एज ए स्टार्टर करते हुए, 28.25 पॉइंट 28 मिनट खेलकर 25.9 रिबाउंड और 1 असिस्ट इनके तरफ से आया था। डब्ल्यू क्लिंस्टीन कुछ खास रही नहीं थी, 8.2 रिबाउंड और 1 असिस्ट, लेकिन जो सेकंड मैच रहा था डब्ल्यू क्लिंस्टीन का बेस्ट गया था, 11.8 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 ब्लॉक और 1 स्टील के साथ। जेल में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए कुछ खास प्लेयर नहीं, लेकिन डिपॉवेल ऐसे बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे। अगर बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम, यल डॉन से खेलते तो मस्ट है, टी हरी पॉटर यहाँ से बेस्ट पिक है, बड़ी हीड डी राइट जो कि यहाँ पर दोनों यहाँ से बेस्ट है गार्ड से खेलेंगे, और दोनों को यहाँ से गार्ड से बेस्ट टाइम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डी फॉक्स आउट है, तो टी हरी बर्टन उसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम मिलेगा। यहाँ पर गार्ड से इनके तरफ से कोई बेटर पिक नहीं सिवाय बड़ी हिल और डी राइट के, डी राइट जो कि यहाँ पर बैन से खेलेंगे और बैन से इनको बेस्ट टाइम मिलेगा। बाकी जे रेटिक्स को भी ट्राई कर सकते हो, 6 क्रेडिट के प्लेयर है एज अ क्रेडिट सेवर। डिफिन स्मिथ एज बर्नर दोनों मस्त है और इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आर होल्मस को यहाँ से मैं ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आर होल्मस का अगर रिसेंटली मैचेस लास्ट मैच इंजरी की वजह से बैक कर रहे थे, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम क्योंकि लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पर अगर ये फॉर्म में तो आपको हर मैचेस में यहाँ से आपको एवरेज यहाँ पर 10+ रिबाउंड दे देते हैं, और यहाँ से अच्छे खासे ड्रीम इलेवन पॉइंट यहाँ से दे देंगे। अगर बात करूँगा क्लैश टीम, तो क्लैश टीम यहाँ से डी पोवेल उसी के साथ साथ टी आर डी जे आर या फिर यम क्लेबर दोनों में से किसी एक को यहाँ से पिक कर सकते हो। ये थोड़ी सी क्लैश टीम जहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लैश यहाँ पर देखने को मिलेगा।
बाकी यहाँ से आर होलोमस को आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। रिसेंटली मैचेस का मैंने इनका परफॉर्मेंस दिखा दिया था। लास्ट मैच इन पर यहाँ पर टाइम लिमिटेशन थी, इसलिए यहाँ पर टाइम कम मिला था, 22 मिनट खेले थे, लेकिन उससे बेटर इनको टाइम मिल सकता है। रिसेंटली मैचेस में अगर देखेंगे तो इन्होंने 10+ पॉइंट प्लस 10+ रिबाउंड हर मैचेस में दिए। तो जीएल में मस्ट पिक है, बेस्ट पिक है, एक दो टीम में ट्राई करना, आपको जीएल यहाँ से इजिली विन करवा सकती है। बाकी यहाँ से अगर बात करूँ तो एसपीपीपी चॉइस तो नो डाउट एल्डन सिक सबके यहाँ पर एसपी होने वाले, और बेस्ट एसपी चॉइस आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे यज बर्नर, जो कि यहाँ से फॉरवर्ड से खेलेंगे, रिबाउंड प्लस पॉइंट अच्छे खासे शूट करते हैं। यज बर्नर को आप यहाँ पर एज ए पीपी ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, टी हैलिबर्टन को भी ट्राई कर सकते हो जो कि यहाँ पर रिस्की मुझे लग रहा है। उसी के साथ साथ बड़ी हिट को भी ट्राई कर सकते हो, जो कि दोनों यहाँ से रिस्की। बाकी यज बर्नर जो है तो थोड़े से यहाँ पर सेफ एसपी और पीपी चॉइस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यज बर्नर रिबाउंड भी देंगे, प्लस यहाँ पर पॉइंट भी अच्छे खासे शूट करते हैं, और लास्ट मैच में यहाँ पर 41 मिनट खेले थे, तो लास्ट मैच में भी इनको बेस्ट टाइम मिला था, और आज के मैच में भी 35 मिनट यहाँ पर खेल सकते हैं। और ऑफेंसिव चार भी यहाँ पर लास्ट मैच में इन्होंने संभाला था, बहुत अच्छे से यहाँ पर शॉट कनेक्ट कर रहे थे, तो बेस्ट पिक है और मस्ट है। बाकी ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम फाइनल टीम, और फाइनल अपडेट में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएंगे, उसके साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।